हेलो गाइज, माय नेम इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 के अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोड के बारे में। सो गाइज, ये परफॉर्मेंस मोड ना हाल के कुछ टाइम पहले आया था एंड मेरे हिसाब से शायद काफ़ी सारे यूजर्स को इसके बारे में नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो ये बता देता हूँ कि ये परफॉर्मेंस मोड आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या काम करता है एंड अगर आपके पीसी में ये नहीं दिख रहा है या लैपटॉप में नहीं शो हो रहा है तो आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, और काफ़ी सारी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लेट्स रोल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी देन इट इज कम्प्लीटली ओके। आई एडेड इंग्लिश सब टाइटल्स इन दिस वीडियो, सो जस्ट इनेबल दैम इन योर यूट्यूब ऐप और यूट्यूब डेस्कटॉप मोड एंड यू विल गेट इंग्लिश सब टाइटल्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड द होल वीडियो एंड वाइल वॉचिंग इन हिंदी। सो गाइस, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैं जितने भी परफॉर्मेंस मोड आपके साथ शेयर करूँगा मैं उन सब के बेंचमार्क भी शेयर करूँगा ताकि आपको पूरी तरीके से आइडिया लग जाए कि किस परफॉर्मेंस मोड में कितना हमें गेन देखने को मिल रहा है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको उसको कंट्रोल पैनल जाना पड़ेगा। तो जस्ट स्टार्ट पर जाइए एंड कंट्रोल पैनल पर टाइप करिए। कंट्रोल पैनल आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल खुल के आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी वाले व्यू में रखना है इसको मोड में। अगर आपको इस तरह कंट्रोल पैनल नहीं खुल रहा है तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस ऑप्शन जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस तरह कंट्रोल पैनल ओपन करना है एंड देन हार्डवेयर एंड साउंड पे जाना है एंड यहाँ पे आपको पावर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाला नहीं मिला है तो जस्ट गो टू द स्टार्ट बटन एंड गो टू द सेटिंग्स, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा होगा सिस्टम। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पावर एंड स्लीप पे क्लिक करना है या राइट साइड में दिया है एडिशनल पावर सेटिंग, आपको इसको ओपन करना है एंड वल्ला। सो आपके सामने ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शन खुल जाएगा पावर ऑप्शंस का। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने अल्टीमेट परफॉर्मेंस पहले से चूज़ कर रखा है तो आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस चूज़ कर सकते हो एंड आई हैव अ राइजन बेस्ड CPU। तो मेरा जो CPU है वो राइजन 5 3600 है एंड मैंने ड्राइवर्स वगैरह भी अच्छे से इंस्टॉल कर दे। तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिखा रहा है AMD राइजन बैलेंस हाई परफॉर्मेंस पावर सेवर, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं एंड मैं अभी फ़िलहाल इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ इन सारे को। आपके इसमें जनरली इंटेल बेस्ड होगा या फिर कोई और प्रोसेसर अब यूज़ कर रहे होगे तो आपको ये बैलेंस और अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा। तो आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चूज़ करना है यहाँ पर या फिर हाई परफॉर्मेंस में नहीं चूज़ करना है। अब अगर आपके में केवल बैलेंस्ड और हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा, तो जस्ट मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। सो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, अपने कमांड CMD ओपन करना होगा एंड जस्ट यहाँ पे विंडोज़ पे जाके यहाँ पे आपको CMD टाइप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ राइट क्लिक पे करना होगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो गाइज, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये जो करेंगे आप ऑप्शन उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जैसे आप इसको कर देंगे आपसे यस करने पूछेगा एंड कुछ इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी। अब गाइज, एक कमांड है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कमांड दे रखा है, जस्ट यू हैव टू कॉपी दिस कमांड और यहाँ राइट क्लिक दबा के जस्ट एंटर दबाना है एंड वाला ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे आपको इनेबल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस इनेबल कर लोगे एंड अगर नहीं हो रहा होगा तो इसको चलाने के बाद एक बार अपना PC रीस्टार्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको दिखने लगेगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे वापस जाके अल्टीमेट परफॉर्मेंस चूज़ करना है। मैं यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस अभी चूज़ कर सकता हूँ या हाई परफॉर्मेंस या फिर ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस, तो मैं इसको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चूज़ कर रहा हूँ। हाँ, अल्टीमेट परफॉर्मेंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अभी आपके सामने सारे के सारे बेंचमार्क शेयर कर दूंगा, बट इसका एक ही ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक सुन लीजिए पहले, ड्रॉबैक ये है कि आपका जो PC है वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस तो लेगा करेगा बट आपका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अल्टीमेट परफॉर्मेंस के सबसे ज़्यादा फायदे मैं आपको बताता हूँ जो इनपुट लैग्स देखने को मिलेंगे, जो CPU और GPU के बीच में और अदर हार्डवेयर में जो लैग्स होते हैं वो देखने को बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल टर्म्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में बोलूँगा तो आप नहीं समझ पाओगे इतना, बट ऐसा मान के चलो कि ये परफॉर्मेंस बूस्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। सो अभी आपके सामने मैं बैलेंस्ड, अल्टीमेट और हाई परफॉर्मेंस, इन तीनों जो बेसिक मोड होते हैं परफॉर्मेंस मोड, इनके बेंचमार्क आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, सारे बेंचमार्क शेयर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इन सब परफॉर्मेंस मोड को टेस्ट करने के लिए, बेंचमार्क करने के लिए मैंने 3DMark सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। तो आप लोग भी चाहें तो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, वैसे एक फ़ी नहीं पेड सॉफ्टवेयर है बट इसका एक डेमो वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।
तो क्या सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड मोड की। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बैलेंस मोड का हमें ओवरऑल स्कोर देखने को मिला है 8,762 एंड ग्रेट लीग के आया है। अब यहाँ पर अगर आप ग्राफिक्स स्कोर देखेंगे 10,990 है एंड सीपीयू स्कोर 4,078 है, तो इट इज़ प्रीटी डिसेंट स्कोर आया है। अब वो इसलिए आया क्योंकि मेरा हार्डवेयर भी काफ़ी अच्छा है, बट आपके स्कोर्स कुछ और हो सकते हैं। तो आप पहला तो बैलेंस स्कोर देख लीजिए एंड हम बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले स्कोर की। तो अगर हाई परफॉर्मेंस स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको 8,630 नंबर देखने को मिले। तो ओवरऑल स्कोर जो है वो बैलेंस से थोड़ा सा कम है, बट जीपीयू स्कोर देखेंगे एंड सीपीयू स्कोर देखेंगे तो आपको सीपीयू स्कोर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो गाइस जो हाई परफॉर्मेंस का सीपीयू स्कोर है वो 4,129 है एंड जो जीपीयू स्कोर है वो 10,686 है। तो जीपीयू स्कोर थोड़ा सा डाउन है, बट वहीं सीपीयू स्कोर हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब अगर गाइज हम बात करें अल्टीमेट परफॉर्मेंस की, तो गाइज अल्टीमेट परफॉर्मेंस का स्कोर है 8,691। तो ये स्कोर भी थोड़ा सा कम है बैलेंस स्कोर से, बट अगर यहाँ पे आप जीपीयू स्कोर देखेंगे तो जीपीयू स्कोर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, वो है 11,017 का। वेल ज़्यादा ऐसा कोई मासिव डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और सीपीयू स्कोर भी थोड़ा सा नीचे है, वो है 3,958। तो गाइस ये तीनों स्कोर आप देख सके होंगे, बट मेरे जैसे कि मैंने पीछे बोला था मेरा राइजन बेस सीपीयू है, तो मैंने एक चौथा स्कोर भी आपके लिए बनाया है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ AMD Ryzen हाई परफॉर्मेंस का CPU स्कोर। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें ओवरऑल स्कोर देखने को मिला है 8,753। तो ये बैलेंस स्कोर के कहीं एकदम आसपास है, बट यहाँ अगर आप GPU स्कोर देखोगे तो वो 11,013 है एंड CPU स्कोर 4,047 है। तो बहुत ही अच्छी एक बैलेंस चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल जा रही है। बट अगर ओवरऑल बात करें तो बैलेंस में मेरा सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अल्टीमेट में ही रखिए, आपको अल्टीमेट में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क सॉफ्टवेयर है। 3D Max से मुझे ये स्कोर्स मिले हैं, आपको किसी और सॉफ्टवेयर से कुछ शायद अलग स्कोर देखने को मिले शायद, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा CPU GPU बेस्ड ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा और सॉफ्टवेयर आपको किस बेंचमार्क्स में और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है, और ट्राई आउट कर सकते हैं इन सब सेटिंग्स को। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप इस मोड के बारे में जानते थे या फिर आप इन तीनों परफॉर्मेंस मोड के बारे में जानते थे, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं जानते थे तो भी बताना, और वीडियो कैसी लगी मेरे को ये भी ज़रूर बताना। और गाइज को ज़रूर चेकआउट करो, और चेकआउट करने के बाद बताओ कि आपको कितना परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिला मुझे। साथ ही साथ गाइज अगर आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप मतलब इस चीज़ को बिल्कुल एकदम इग्नोर मत करिए, इसको ट्राई आउट करिए ताकि आपने परफॉर्मेंस बिल्कुल चार ज़्यादा निकाल सके सिस्टम में, एंड आपने जिस चीज़ के पैसे दिए कम से कम एटलीस्ट वो तो कर सकें, सिस्टम के साथ पूरा चूज सकें, पूरा निचोड़ सकें, पूरी पावर उसकी ट्रेन आउट कर सकें। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इनके वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लगे इस मोड के बारे में। चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ घंटे को भी दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। वेल गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक लेट अडोवर टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।